नाम पूरा क्या है और कौन से? मेरा नाम दयाउद्दीन नबी खान है, मैं सिटी जिला से रहापुर से रिटायर हुआ हूँ। और मेरे हमी साहब फिलहाल जो मेरे दादा है और दादा है, और आपका उस हाफिज साहब का शुरू किया हुआ है ये उस असल में हाफिज साहब और रहमतुल्लाह के वालिद जनाब नवाब मोहम्मद गुलाम हुसैन खान साहब, जिनको उनके पीर मुर्शिद ने फ़कीर शाह का लक़ब दिया था। पीर मुर्शिद का नाम भी गुलाम हुसैन था, इसलिए दोनों ने जब बात की तो उनका कोई मजाक नहीं आया, दुनिया तुम्हें फ़कीर शाह के नाम से जानेगी। तो ये उस हाफिज साहब के वालिद साहब का किबला नवाब मोहम्मद गुलाम हुसैन खान साहब का है, हज़रत फ़कीर शाह साहब का। लेकिन हाफिज साहब के साल के बाद ये तय किया गया कि मेहमान बार बार कैसे आएंगे, इसलिए हाफिज साहब को उस मवीस में शामिल कर दिया गया। पहले दिन फ़कीर शाह साहब हाफिज साहब वालिद साहब का वो खुश होता है, मतलब मनसूख किया हुआ है तो हाफिज साहब का है। फिर मौलाना मियाँ मासूम मौलाना काफ़ी भाई के बुजुर्ग हैं, हाफिज साहब के छोटे वाले भाई साहब, उनका जब विशाल हुआ तो उनके उसको इसमें फिर शामिल उसी में शामिल कर दिया गया। तीन दिन का उर्स हो गया, इसमें सुबह को कुरान खानी होती है और पहले दिन और गुला शरीफ होता है जो आज हो चुका, और शाम को असर के बाद फुल होता है, दुआ होती है कव्वाली के बाद 10 मिनट 15-20 मिनट कव्वाली, उसके बाद फुल होता है। फिर रात में लंगर के बाद महफिल समा शुरू होती है, पहले दिन 12 बजे तक होती है, दूसरे दिन 2 बजे तक होती है, तीसरे दिन खुल के सुबह फजर के तक होती है, दूसरे दिन सुबह को कुरान खानी होगी, शाम को खुल दोपहर में थोड़ी देर कव्वाली होगी, और शाम को इसी तरह से जैसे आज दुआ फुल होगा, और उसके बाद रात में महफिल समा 2 बजे तक होगी। तीसरे दिन जो ख़ास दिन है, जिस दिन हाफिज साहब के वालिद साहब का विसाल हुआ था 13 शवाल, उस दिन सुबह को कुरान खानी होगी, फिर उसके बाद महफिल समा कुछ देर चलेगी दोपहर जोहर से पहले पहले जवाल से पहले, और उसके बाद शाम दोपहर में जोहर की नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के जो पत्थर पर निशान है कदम मुबारक का, उसकी ज़ियारत कराई जाती है, जो करीब करीब 1 घंटे में निपट जाती है। औरतों के 2 कदम शरीफ दोनों जगह कराए जाते हैं, एक औरतों में कराया जाता है लेडीज़ में जो जनरल खाने में होता है, और जो ख़दम शरीफ दूसरा है वो मर्दों में कराया जाता है, मस्जिद की तरफ से कराया जाता है। फिर रात में महफिल होती है, सुबह को आखिरी कुल होता है। तो यानी आज है शनिचर, कल इतवार, परसों पीर 13 शवाल, तो परसों पीर के दिन 13 शवाल को 17 तारीख में आखिरी दिन जो होता है उसमें ख़दम शरीफ की ज़्यारत कराई जाती है। माशाल्लाह लोगों से गुजारिश है, मेरी अपील है कि सब लोग इसमें शरीक हों, दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। हुजूर अकरम जैसे इतनी बड़ी शख्सियत, इनके लिए कायनात बनाई, उनके कदम मुबारक की ज़्यारत होती है, जो दुआएं मांगते हैं कबूल होती हैं, और उसमें गुजारिश यही है कि लोग बावजूद आए। कितने वर्षों से लगभग हो रहा है सर? ये लगभग 2:30 बजे कदम शरीफ की ज़्यारत शुरू होती है। कितने सालों से हो रहा है ये? 170वां साल है, 170वां उस है हाफिज साहब के वालिद साहब का, और हाफिज साहब का भी साल 1880 में हुआ, तो 20 लगभग 140 साल हाफिज साहब के हुआ।